गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अलवी मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। जैसा कि आप पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे रजिस्टर के बारे में, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हों, उसकी जो आगे वाला पोर्शन है उसको अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जैसे सीसो पढ़ा, सीरियल इन सीरियल आउट, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सीरियल इन पैरेलल, सीरियल इन पैरेलल आउट जो रजिस्टर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि ये रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर एक डिवाइस, एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है दैट कैन स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स, ओके, बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। इट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। तो अभी इसमें हम देखेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट। तो इसमें ये क्या देखेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, जैसे हमने पिछले वाले में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप कंसीडर कर लें या डी ले लें, ठीक है, इस जगह पर आप डी ले लें, डी इस जगह, डी इस जगह, डी इस जगह, डी, ये क्यू नॉट, ये क्यू वन, ये क्यू टू और ये क्यू थ्री, और ये क्या है आपका एम एस बी, और ये क्या है आपका एल एस बी, ठीक है। और इस जगह से यहाँ से मैं ले रहा हूँ क्लॉप, ये क्लॉप सब में एक साथ जा रही है, और इसमें जो इनपुट्स हैं वो कहाँ कहाँ लग रहे हैं, इस जगह पे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, इसको भी देने दो, ठीक है, इससे पहले हम इसके जो नीचे वाले पोर्शन में देख लेते हैं। तो इन सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर प्रोवाइड एन बिट डेटा सीरियल इन। तो ये सीपो क्या होता है, इस ये एक रजिस्टर होता है जिसमें कि एन बिट डेटा को सीरियली इन इसमें स्टोर करने के लिए काम आता है। अब ये मैंने आपको बताया कि भाई जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जो सीरियल इन सीरियल आउट होता है या सीरियल इन पैरेलल आउट होता है, इसमें जो इनपुट का काम हो रहा है, जो इन हो रहा है, वो तो क्या हो रहा है आपका सीरियली इन हो रहा है। तो मुझे सीरियली इन करने के लिए इसमें यदि मैं एन बिट को सीरियली इन करता हूँ तो मुझे कितने क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मुझे एन क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं चार बिट को यदि स्टोर करता हूँ तो मुझे चार क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं तीन बिट को स्टोर करता हूँ तो मुझे तीन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं दो को करता हूँ तो दो की, यदि मैं पाँच को करता हूँ तो पाँच की, पांच क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ मुझे पांच फ्लिप फ्लॉप भी रिक्वायर्ड है क्योंकि एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में होता है टू प्रोवाइड एन बिट डेटा सीरियली इन। तो इसमें क्या हुआ, एन बिट डेटा को ये सीरियली इन आपको स्टोर करता है। इट रिक्वायर्ड एन क्लॉक पल्स, ये क्या करता है, एन क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड करता है, क्यों, एन बिट को स्टोर करने के लिए। और जबकि इसके जो आउटपुट होता है वो क्या है, इसका पैरेलल आउट है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, इसको एक बार नोट कर लो आप, पैरेलल आउट। पैरेलल आउट का मतलब ये हुआ कि इससे जो आउटपुट निकलेंगे क्यू थ्री से, क्यू टू से, क्यू वन से, क्यू नॉट से, जो भी आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट आपका पैरेलली है। इसको मैं सीधा इनके जो आउटपुट हैं कंसर्न नोड है उससे मैं सीधा बाहर निकाल सकता हूँ। अब एक बार बताओ, जब इस पर ऑलरेडी, जब इस पर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्टोर है, क्यू थ्री, क्यू टू, क्यू वन और क्यू नॉट पर स्टोर है, जब मैंने एन क्लॉक पल्स देखिए स्टोर कर दी, तो मुझे बाहर निकालने के लिए कोई क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीधा यहीं से ले रहा हूँ, या क्यू थ्री पर जो वैल्यू ले लूँगा, क्यू टू पर जो वैल्यू है वो ले लूँगा, क्यू वन पर जो वैल्यू है उसको ले सकता हूँ, क्यू नॉट है उसको भी मैं ले सकता हूँ। इस प्रकार से सीरियल इन पैरेलल आउट जो जो रजिस्टर है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें सीरियली इन करते हैं जबकि पैरेलली आउट करते हैं, और पैरेलली आउट करने के लिए हमें कोई क्लॉक पल्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो यही बात इसके अंदर लिखा हुई है कि इन सीपो रजिस्टर टू प्रोवाइड एन बिट डेटा सीरियली इन, इट रिक्वायर्ड एन क्लॉक पल्स, मतलब इसमें सीरियली इन के लिए एन क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होती है, एंड प्रोवाइड पैरेलल आउट, और जबकि इसके जो आउटपुट होता है वो पैरेलल होता है, और इट रिक्वायर्स ओनली जीरो क्लॉक पल्स, और इसके अंदर आपको जीरो क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज यूज टू सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, इसका जो उपयोग होता है वो क्या करता है आपका सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए इसका उपयोग होता है। और सीपो इज यूज टू कन्वर्ट, ये सीरियल इन पैरेलल आउट जो रजिस्टर होता है इसका उपयोग होता है यूज टू कन्वर्ट टेम्पोरल कोड टू स्पेशल कोड, इसका उपयोग टेम्पोरल कोड टू स्पेशल कोड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। और ये एक तरीके से स्लो टू फास्ट कन्वर्टर, स्लो टू फास्ट मतलब इसमें इनपुट तो स्लो हो रहा है जबकि इसके आउटपुट फास्ट रहा है, तो ये स्लो टू फास्ट कन्वर्टर भी इसको बोल सकते हैं। अब यदि मैं इसका ये सर्किट में जो मैंने बताया कि इसमें बताऊँगा, तो इसमें आपने जो पिछले वाले सर्किट को देखा तो उसमें देखो ये आउटपुट निकल रहा है, ये आउटपुट आपका कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, ठीक है, ये सीरियली आउट आ रहा है, जबकि इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो आपका इन जगह से आ रहा है,
पे ये पैरेलली आ रहा है, तो इसमें डेटा स्टोर हुआ है सीरियली और आउटपुट निकला आपका पैरेलली। तो ये आपका सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद में क्या करूँगा, ये आपको एक सर्किट, ये क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो उनमें भी ये सारे ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें कुछ नहीं लिखा रहता, उसमें ये लिखा रहता है, उसमें सीपो भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसमें बस बोलेंगे ये एक आपका सर्किट है और इसके इतने क्लॉक पल्स बाद आप हमें ये बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो अब देखो इसको ध्यान से, ये आपको देखो इसमें क्या हुआ, इधर की साइड से 101 और इसका ये आउटपुट क्या निकल रहा है, यहाँ से ये और ये, ठीक है। अब ये सीपो है, सीसो है, वो तो समझ में आ गया कि ये सीपो है क्योंकि इसमें मैंने सीरियली इन करके सारे डेटा को स्टोर किया, जबकि पैरेलल आउट है, पैरेलल आउट के माध्यम से मैंने इसमें डेटा को बाहर निकाला। तो इसमें जब 1010 है, तो 1010 है तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे, इसमें जैसे 10 और 10 और ये कौन सा गेट है, आपने गेट पढ़ी रखे, ये गेट कौन सा, एंड गेट है। तो एंड गेट में जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन यदि 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका आ गया 1, ठीक है, ये 1 यहाँ पर आ गया, तो 1 ही आ गया। अब नेक्स्ट क्लॉक जाएगी, नेक्स्ट क्लॉक जाएगी तो ये 1 तो इस जगह पर आ जाएगा और ये 1 यहाँ चल जाएगा और ये 0 इस जगह पर चल जाएगी, ये 0 इस जगह पर, ये 1 यहाँ पर और ये 1 था जो इस जगह पर आ जाएगा, ओके। और ये 1 इस जगह, ये फर्स्ट क्लॉक हो गई। सेकंड क्लॉक देखो, सेकंड क्लॉक में आप देखो, पहले इसको सॉल्व करोगे, 0 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो क्या आ गया, 0, उसका यदि मैं नैंड ऑपरेशन करूँगा तो नैंड ऑपरेशन करके दोबारा 1, ये आ गया दोबारा 1, ठीक है। नेक्स्ट 1, ये 1, अब मैं क्लॉक जाएगी तो ये 1 तो आ जाएगा इस, अरे ये 1 तो आ जाएगा इस जगह पे और ये 1 चल जाएगा आपका इस जगह पे और ये 1 इस जगह पे और ये इस जगह, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने ऊपर कर दिया था ये 1। अब इसके बाद में आप देखो आपका क्या गया, ये क्या गया, 1 0 का आप सॉल्व करोगे नैंड गेट के माध्यम से तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, इसका आउटपुट आएगा आपका 1 आएगा, अगेन 1 आ गया, अगेन 1 आ गया, तो अगेन 1 आ गया। तो अब आप इसको रुको, अगेन 1 आ गया, तो ये 1 तो चल जाएगा इस जगह पे, जो ये वाला आया है जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये 1 आपको, ये 1 तो चल जाएगा ऐसे और जो ये 1 है वो आपका ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 इस जगह, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये 1, ठीक है। तो अब इसका जो ये क्या नाम है, अब ये 3 क्लॉक पल्स है, 3 क्लॉक पल्स के अप्लाइड होने के बाद में जो अब इसका जो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 1 1 ये आ रहा है। तो अब इसमें यहाँ पे क्या लिख रहा है, सर्किट शोन इन द फिगर एक 4-bit सीपो रजिस्टर विच इज इनिशियली लोडेड विद 1010। इसमें बोला है कि एक ही सीपो का सर्किट है वो 1010 से लोडेड है। यदि मैं 3 क्लॉक पल्स करता हूँ तो 3 क्लॉक पल्स अप्लाइड करने के बाद में जो इसका आउटपुट होगा वो क्या है, तो इसका जो लोडेड है वो क्या आएगा, तो वो आपका आएगा 1 1 1। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन ने ये सॉल्व कर लिया। अब ये सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ये बोल रखा है 1011 इसमें ऑलरेडी लोडेड है, 1011 इस ऑलरेडी इसमें लोडेड है, तो ये 1011 में लोडेड है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 1 1 को मैं आप ये क्या एक्जोर गेट, जब एक्जोर गेट में जब मैं 1 1 करता हूँ तो 1 1 करने पर इसका आउटपुट, 1 1 करने से क्या, जो एक्जोर का ऑपरेशन करते हैं तो एक्जोर में क्या आता है, 1 1 करने पर, एक्जोर में जैसे मैं 1 1 करूँगा तो 1 1 करने से उसमें जब दोनों सिमिलर होती हैं तो ये आपको क्या आएगा इस जगह पे 0, ये 0 और एक ये 0, ये सॉरी ये 0। अब ये दोनों जब 0 0 होंगे तो ये आउट में सिमिलर पे 0 0 आएगा, अब ये 0 आएगा। तो ये इनिशियली जब कोई क्लॉक नहीं लग रही तब तो आपका क्या था 1 0 1, जैसे इसमें 0 आएगा और क्लॉक लगेगी, क्लॉक चलेगी, यहाँ पर क्लॉक और लगानी चाहिए थी इसको, गलती होगी इसमें। तो इसने जैसे क्लॉक दी तो क्लॉक देगा तो ये क्या होगा यहाँ पर 0 1 0
जी ये तो, ये जो जीरो आ रही है ये तो चल जाएगी यहाँ इसके आगे, उसके बाद ये वन चलेगा और आगे इधर की साइड, ये जीरो आगे फिर ये वन आगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो पहली क्लॉक देने पर ये इसका एक्सप्रेशन आएगा जीरो वन जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉक, नेक्स्ट क्लॉक देखोगे तो ये पहले वन, इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो जीरो वन को यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आउटपुट, वन। जी अब ये क्या हो, अब इसका जो लोडेड है वो तो बन गया जीरो वन जीरो वन, तो ये आपका जो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों डिसिमिलर तो यहाँ पे वन वन, फिर ये वन वन का जीरो, ये जीरो, ठीक है। अब इसमें यदि आप दोगे क्लॉक तो ये क्या गया, ये जीरो आगे जाएगी इसमें जाएगी तो जीरो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये जीरो प्लस ये जीरो यहाँ आ जाएगी, ये वन यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पर। फिर मैं थर्ड क्लॉक दूंगा, थर्ड क्लॉक देने पे क्या होगा कि जीरो वन का क्या आ जाएगा, वन, जीरो वन का वन, और फिर वन जीरो का दोबारा वन, तो वन आ जाएगा, फिर ये वन जीरो जीरो थर्ड क्लॉक। फोर्थ क्लॉक दूंगा, फोर्थ क्लॉक में क्या होगा, जीरो वन को यदि मैं एक्जोर करूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। वन और जीरो करूँगा तो दोबारा एक्जोर करेंगे तो वन आएगा, तो वन यहाँ पर आ जाएगा आपका वन, ये वाला वन यहाँ चल जाएगा, ये जीरो यहाँ पर, ये जीरो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैं जीरो जीरो को करूँगा तो जीरो जीरो को करने पर मेरा क्या होगा, या आउटपुट आपसे सिमिलर है तो इसका जीरो आएगा, जीरो और वन का वन आएगा, तो ये वन प्लस ये वाला है आपका वन, ये यहाँ चल जाएगा, इस ये वन यहाँ चल जाएगा और ये जीरो आपका इस चल जाएगा, ठीक है। अब ये बस जीरो और वन का करूँगा तो जीरो और वन का करेंगे तो क्या आएगा आपका, वन, जीरो और वन का करेंगे तो वन, और वन वन को करेंगे तो जीरो, तो वो जीरो तो आपकी आ गई इस जगह पर, और ये वन है आपका उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वन उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वन उठ के। अब ये वन वन दोनों, इन दोनों को मैं देखूँ, इस इन दोनों को, तो ये वन वन क्या हो जाएंगे एक जोर से जीरो, और जीरो और ये फिर इसके साथ एक जोर करूँगा तो क्या आएगा वन, तो ये वन इस जगह पर आएगा, ठीक है। ये वन यहाँ पे, ये जीरो इसको एक जगह बताता हूँ, देखो। अब ये जो ये वन वन था, ये वन वन की वजह से क्या हुआ आपका जीरो, और जीरो और वन का वन, तो ये वन इस जगह पर आ जाएगा, वन और ये जीरो यहाँ पे, और ये वन इस जगह पर, और ये वन इस जगह। इस प्रकार के जो सात क्लॉक पल्स हैं, तो सात क्लॉक पल्स के लगने के बाद ये जो सेम जो डेटा इसमें लोडेड था वो कि वो हमें दिखाई दे देगा वन जीरो वन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ, इसमें क्या लिखा, नंबर ऑफ क्लॉक्स रिक्वायर्ड, ये लिख रहा है इनिशियली लोडेड वन जीरो, इफ क्लॉक पल्स अप्लाइड कंटिन्यूसली आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स अगेन द डेटा बिकम वन जीरो, तो मतलब कितनी क्लॉक पल्स के बाद में ये डेटा दोबारा 1011 बन जाए, तो आपको क्या लिखना है इसमें, सात क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे, तो इनको आपको करना है, उसमें सीधे ही आपको डायग्राम आएंगे, तो इनको क्या बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब ये है कि आपको फ्लिप फ्लॉप का भी पता होना चाहिए, आपको जो पहले पहले जो पढ़ाए हैं आपको चैप्टर जिनमें आपके एक्सोर गेट, एक्स नॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये जो गेट इनके ट्रूथ टेबल आपको बिल्कुल मुंह जबानी एकदम सही आता है, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये रखो, ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें लोगों के 70 में से 70 नंबर आते हैं, 100 का पेपर तो 100 में से 100 भी आते हैं, और 100 में से 0 भी आता है। यदि आपने इसमें तुक्के फेंकने से कुछ नहीं होगा, एक इसमें यह है कि 10 जो डिजिटल होती है उसमें 1 का मतलब 1, 0 का मतलब 0, इसमें यदि आप उनके बीच में 0.5 लिखें, 1.5 लिखें, तो आपको कोई नंबर नहीं देगा, इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है, इसमें दूर की बात नहीं होती, ठीक है। तो इसको क्या है कि ये सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स में आपके आंसर आते हैं कि दो दो चार होते हैं तो चार ही होते हैं, कोई 3.5 लिखते तो भी गलत है, और 4.5 लिखते तो भी गलत है, चाहे 4.1 लिख दिया वो भी गलत है, और 3.9 है तो वो भी गलत है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल पूरे के पूरे का एग्जैक्ट आपका आता है, ठीक है। इस टाइप से आपको ये आपने पढ़ लिया, अब इसके आगे वाला पोर्शन हम देखते हैं, एक सेकंड आपको देखता है।
ठीक है। अब इसके ये क्या नाम है, तो अब अपन ने दो चीज़ पढ़ ली थी, सीसो और सीपो, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको सीरियल इनके लिए कितने क्लॉक पल्स की रखो ऐड हुई एन की, और यदि उनको बाहर निकालता हूँ तो मेरे को ज़रूरत कितने की पड़ी, मेरे को ज़रूरत पड़ी उसमें जीरो, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ये सीसो हो गया। अब इसके आगे वाली जो क्लास है उसमें मैं आपके दो और बच रहे हैं, एक तो पीसो बच रहा है और एक बच रहा है पीपो, इनके दोनों के लिए एक क्लास ही सफिशियंट है। तो एक क्लास में उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको काउंटर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये लास्ट के मान लो कोई इसको पढ़ना चाहे तो उससे पहले जो लास्ट के अपने जो लेक्चर्स थे, चाहे वो एंड गेट के हो, चाहे वो मतलब गेट्स के प्लस जो सीक्वेंशियल सर्किट थे, उनका एक बार आप अच्छे से अध्ययन कर लें और उसके बाद ही इसको पढ़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ईजी टॉपिक है और अच्छी समझ में आप, ठीक है। थैंक यू सभी।